बात करते हैं इस वक्त की खास खबर से। उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मंगलवार को अयोध्या दौरे पर रहे, जहां उन्होंने अयोध्या के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में आयोजित लोकार्पण शिलान्यास समारोह में शिरकत की। समारोह के बाद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पत्रकारों से मुखातिब हुए। उन्होंने पत्रकारों के सवाल पर कहा कि प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के चुनाव में भाजपा 300 से अधिक सीट जीतकर सरकार बनाएगी और सही मायने में राम राज्य आएगा। चुनाव में सत्ता के दुरुपयोग पर सपा के आरोप पर मुख्यमंत्री ने कहा कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला हाल समाजवादी पार्टी का है। 2022 के चुनाव में आम आदमी पार्टी व सपा के संभावित गठबंधन पर बोलते हुए कहा कि चाहे जितने गठबंधन कर ले, जीत भाजपा की ही होगी। जनता भाजपा के साथ है, खून पसीना बहाने का काम भाजपा कार्यकर्ता कर रहा है, विकास भाजपा की सरकार कर रही है। सपा का वही हाल होगा जो जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में हुआ है। वहीं धर्मांतरण को लेकर सपा नेता अबू आजमी के बयान पर केशव मौर्य ने कहा कि धर्मांतरण को लेकर पुलिस कार्यवाही कर रही है और अब तक जो खुलासा हुआ है वह बहुत ही खतरनाक है। अबू आजमी का जो भी दलील देनी है वह न्यायालय में दलील दें, बयानबाजी बंद करें। अबू आजमी ने कहा कि कोई धर्मांतरण नहीं हुआ है, 18 साल से ऊपर कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म में शादी कर सकता है। वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री के चेहरे के सवाल पर कहा है कि देश के अंदर मोदी का चेहरा है, प्रदेश के अंदर योगी का चेहरा है, केंद्रीय संगठन में जेपी नड्डा, प्रदेश संगठन में स्वतंत्र देव सिंह है। ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि विधानसभा चुनाव में किसका चेहरा होगा, ये विरोधियों की साजिश है। जो भी बात कहना होगा, अभी पुलिस कार्रवाई कर रही है और जो खुलासा हुआ वो बहुत खतरनाक है और पुलिस जो कार्रवाई करेगी वो मामला न्यायालय में जाएगा। जो अपनी दलील देना होगा न्यायालय में देंगे, बयानबाजी बंद करें। बिहार की ओर से तो योगी आदित्यनाथ जी चेहरा है प्रदेश के अंदर, और पूरे देश की दृष्टि से हमारे माननीय मोदी जी हैं, संगठन की दृष्टि से हमारे आदरणीय जेपी नड्डा जी हैं, देश में और प्रदेश में स्वतंत्र देव सिंह जी हैं। तो ये कोई चेहरा ये कोई बताने की जरूरत नहीं है। ये विरोधी कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं, उनको कोई रास्ता मिलने वाला नहीं है। हम 300 से ज्यादा फिर सीटें जीतेंगे, फिर सरकार बनाएंगे, सही मायने में राम राज्य।